साहब अगर आप जा रही हैं तो पोहरी चौराहा तो ध्यान रखें गड्ढों का। सियामो साहब किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। खबर शिवपुरी के पोहरी चौराहे की है। यहाँ पर बस स्टैंड जाने वाली सड़क पर चौराहे पर ही बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने नगर पालिका को की, लेकिन सीएमओ साहब का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सीएमओ साहब आखिर किस बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से निकलने वाले राहगीरों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे गड्ढों में से बाहर निकलना रहता है, इसके कारण गड्ढों ने बड़ा रूप धारण कर लिया है। लेकिन सीएमओ साहब को इसकी चिंता नहीं है। इन गड्ढों से छोटे वाहन सहित बड़े वाहन, बसें और ट्रक निकलते हैं। इसी रोड पर बस स्टैंड होने के कारण बसों का आवागमन भी अत्यधिक रहता है, लेकिन फिर भी इस पर कोई चिंता नहीं है। पहले भी गड्ढों को मुरम के जरिए भरा गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। ये पोहरी चौराया है, घोड़ा चौराया, यहाँ पर बहुत परेशानी आती है। जो गड्ढे की वजह से जाम लग जाता है, बहुत से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, गाड़ी रपटती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और खुलने में बहुत परेशानी आती है। आपने पहले की थी? हाँ की थी, फिर वो सुनवाई नहीं करते यहाँ से। सब लोग खुल जाते हैं और अनदेखा करके चले जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। ये पोहरी चौराया है, क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या यही है भैया, ये सामने इधर ये गड्ढा हुआ रखा है, पानी वाले लेन वाले आए थे वो खोद गए थे। नगर पालिका में सीओ साहब को आवेदन दे रखे हैं चार, एक बार आए थे तो बोल रहे कि हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। 6 महीने हो गए हैं, इधर से यशोधरा जी भी निकलती हैं 2-4 6 बार, वो भी निकल गए हैं। राट के राजी भी रोज़ निकलते हैं और इसको सब अंधेगा कर देती हैं देखते हुए भी। और जहाँ पे इसमें अभी 2-4 दिन पहले एक गैया भी गिर गई थी, उसको हटवा के निकलवाया हम लोगों ने। इधर गड्ढे हैं, आए दिन इधर एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोड पे भी बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं। शासन का कोई ध्यान नहीं है? बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है शासन का। नगर पालिका में 4 आवेदन दे रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। एक बार आए थे, देख गए थे कि ये हमारा काम नहीं है।